हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे ट्वेल्थ कॉमर्स बीएसटी सब्जेक्ट के लिए। आज हम बीएसटी सब्जेक्ट के कोर्स स्ट्रक्चर की सबसे पहले बात करेंगे कि बीएसटी सब्जेक्ट में कितने चैप्टर्स हैं, इनको कितने यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जो है बीएसटी में एक ही बुक है और उसके 14 चैप्टर्स हैं। 14 चैप्टर्स को एक यूनिट में डिवाइड किया हुआ है। हर एक यूनिट जो है वो 8 मार्क्स की है, लेकिन यूनिट 1 एंड यूनिट 4, यूनिट 1 इज़ मैनेजमेंट, वो 16 मार्क्स की है, एंड यूनिट इज़ 4, वो 16 मार्क्स की है, बिजनेस लॉ। हम सबसे पहले आज जो बात करेंगे वो मैनेजमेंट की बात करेंगे। मैनेजमेंट में जो पूरी यूनिट है उसको 4 पार्ट में, उस टॉपिक्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, रोल ऑफ मैनेजमेंट, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ये जो सारी जो टॉपिक्स हैं उसको मैनेजमेंट की यूनिट में रखा गया है। आज सबसे पहले हम आज फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, उसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। यस, आपको पता ही होगा कि मैनेजमेंट जो है, जो वर्ड है वो जनरल वर्ड में यूज़ में किया जाता है। सबसे पहले जो है हम बात करते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब होता है किसी भी काम को करना है या गोल को अचीव करना है उसके पहले उसका सिस्टमैटिक तरीके से उसकी प्लानिंग करना। तो आज हम मैनेजमेंट जो है वो बिज़नेस स्टडीज़, यानी बिज़नेस एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट का क्या मीनिंग होता है वो चीज़ हम पढ़ते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, इट इज़ अ प्रोसेस। क्या है ये प्रोसेस? कोई थिंग या कोई आइटम नहीं है जो सिर्फ उसको एक बार लिया और ख़त्म हो गया। नो, इट इज़ ए बिग प्रोसेस। मैनेजमेंट करने का एक प्रोसेस होता है, बिग प्रोसेस होता है, ऑफ गेटिंग थिंग डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल। यानी ये जो प्रोसेस जो किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? मैनेजमेंट जो किया जाता है वो किसी भी काम को करने के लिए, यानी एक गोल जो होता है, एम होता है, उसको अचीव करने के लिए किया जाता है। या तो वो जो व्यक्ति होगा, जो पर्सन होगा, या तो वो खुद करेगा या वो किसी अदर पीपल या किसी अन्य व्यक्ति से वो करवाएगा। इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट, यानी जो भी वो काम करे या वो करवाए वो क्या हो, बहुत अच्छे तरीके से हो, बहुत अच्छे ढंग से। यानी मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट जो है उसका मतलब क्या हुआ कि जो मैनेजमेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन में, या एक हम बात करते हैं बिजनेस में, मैनेजमेंट जो है वो एक बिग प्रोसेस होता है। मैनेजमेंट को करने के लिए एक पूरी जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस के आधार पर ही या उस बेस पर ही हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। मैनेजमेंट जो किया जाता है वो या तो खुद से किया जाएगा या फिर किसी अन्य व्यक्तियों से करवाया जाएगा। और मैनेजमेंट जो होता है वो सही तरीके से, सही ढंग से करना ही एक मैनेजमेंट होता है। हम यहाँ बात करते हैं कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट आया है, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंटली जो है ये करीब करीब दोनों ही सिमिलर वर्ड लगते हैं, लेकिन मैनेजमेंट में हम बात करते हैं कि इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंटली में क्या डिफरेंस है। इफेक्टिवनेस कंप्लीशन ऑफ वर्क और टाइम, टाइम पर मैंने अंडरलाइन कर रखा है टाइम। यानी जो भी वर्क किया जाए, जो भी काम किया जाए ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या हो, ऑन और टाइम, यानी समय पर पूरा, तभी हम उस काम को कहेंगे कि उस व्यक्ति ने जो है वो इफेक्टिवनेस से वर्क किया है। क्यों? क्योंकि उसने अपना जो काम है वो सही समय पर पूरा किया है। एफिशिएंटली मीन्स कंप्लीशन ऑफ टास्क विद मिनिमम कॉस्ट, मैक्सिमम रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन। एफिशिएंटली का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति या कोई मैनेजर जो है वो जो काम कर रहा है वो जो रिसोर्सेज हैं, मतलब जो मैक्सिमम रिसोर्सेज का वो यूज़ करके क्या लेकर आएगा, वो मैक्सिमम कॉस्ट, यानी कम खर्च।
यानी कम खर्च जो कॉस्ट आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, कम आनी चाहिए। तब हम कहेंगे कि जो उस व्यक्ति ने जो काम किया है, वर्क किया है या जो मैनेजमेंट किया है वो क्या है, एफिशिएंटली से किया है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो या कोई जो मैनेजर है वो जैसे कि भाई काम समय पे तो वो पूरा कर रहा है लेकिन उसकी कॉस्ट यदि वो ज़्यादा आ रही है तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये जो मैनेजर है वो एक अच्छे से मैनेजमेंट कर पा रहा है? नहीं, हम ये नहीं कह सकते। फॉर एग्जांपल से हम इसको समझते हैं कि मिस्टर एक्स को यदि एक दिन में, मिस्टर एक्स को एक दिन में 100 यूनिट्स 100 यूनिट्स बनाने, लेकिन मिस्टर एक्स ने एक दिन में जो है वो 100 यूनिट्स तो उसने बना ली लेकिन उसकी कॉस्ट क्या आई, उसकी कॉस्ट ज़्यादा आई। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि मिस्टर एक्स जो है वो इफेक्टिवनेस तो है लेकिन उसमें एफिशिएंसी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो उसने काम किया है उसमें क्या आया है, उसमें जो खर्चा है वो ज़्यादा आया है। तब हम कहेंगे कि यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपर नहीं हुआ है। प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो जो टास्क है, जो एक्टिविटी है, जो वर्क है वो टाइम पे पूरा हो, और टाइम पे पूरा होने के बाद उसकी जो कॉस्ट है वो भी क्या आए, मिनिमम आए। तब हम कह सकते हैं कि उस फर्म का, उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस बिजनेस का जो जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी अच्छा है या बहुत अच्छा है। देन इफेक्टिवनेस जो कंसीडर मीन जो रिजल्ट जो इसका होता है, एंड जो होता है उसमें हमें मिलता है परिणाम, रिजल्ट हमें मिलते हैं। क्यों, कैसे मिल रहे हैं? क्योंकि उसने जो काम किया है वो क्या किया है, समय पर पूरा किया है। तो इफेक्टिवनेस जो मीन कंसीडर इज एंड रिजल्ट, एंड एफिशिएंटली मीन कंसीडर इज कॉस्ट, यानी जो है कॉस्ट पे इस पर सबसे ज़्यादा फोकस होता है और इस पर रिजल्ट पे फोकस किया जाता है। आपको ये जो मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। गाइस, हमेशा आप ये याद रखिए कि फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है वो हमेशा डेफिनेशन या मीनिंग में से ही जो है वो निकलती है। यदि आपको किसी भी टॉपिक का मीनिंग या जो उसका जो अर्थ है यदि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा तो डेफिनेटली आप उसके फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिख सकते हैं। इसी तरीके से सबसे पहले जो फीचर ऑफ मैनेजमेंट जो हम पढ़ेंगे उसका सबसे सबसे पहला पॉइंट है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट का जो फीचर्स है उसमें सबसे ज़रूरी होता है गोल होना। यदि मैनेजमेंट वहीं किया जाता है जहाँ पर गोल होता है, एम होता है, एक एम को अचीव करने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए क्या किया जाता है, मैनेजमेंट किया जाता है। इसीलिए मैनेजमेंट जो मैनेजमेंट का फर्स्ट फीचर्स क्या हुआ, गोल ओरिएंटेड फीचर्स होता है। क्योंकि लक्ष्य होना, हम बोल सकते हैं उद्देश्य निर्धारित जब हम करेंगे या जब हमारी गोल ओरिएंटेड होंगे तभी हम जो है मैनेजमेंट कर पाएंगे। इसका सेकेंड जो फीचर है मैनेजमेंट का, यूनिवर्सल यानी सभी जगह होना। मैनेजमेंट पर्टिकुलर हम ये बात करेंगे कि किसी बिजनेस या किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता बल्कि सभी जगह मैनेजमेंट करना होता है। लाइक वो चाहे ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो, छोटा हो, प्रॉफिट मेकिंग हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन हो, या किसी भी तरीके की ऐसी इंस्टीट्यूशंस जो हम बात करते हैं हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, इस तरीके की इंस्टीट्यूशंस में भी मैनेजमेंट किया जाता है। यानी जो मैनेजमेंट है वो यूनिवर्सल है। आज हम बात करते हैं कि यूनिवर्सल जो जो मैनेजमेंट जो होता है वो यूनिवर्सल होता है। देन इसमें हम थोड़े से एग्जांपल से हम ये चीज़ समझते हैं कि आज हमारे घर में यदि छोटा सा भी कोई फंक्शन होगा या छोटा सा भी कोई काम होगा तो उसके पहले हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट किया जाता है। उसके पहले हम सारा सिस्टमेटिक तरीके से कार्य करते हैं। देन मैनेजमेंट इज ह्यूमन वर्क। थर्ड फीचर है इसका, मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स है ह्यूमन वर्क।
मैनेजमेंट जो होता है वो ह्यूमन वर्क होता है जिसमें एक्सपीरियंस एंड नॉलेज की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज को मतलब यूज करके जो है वो मैनेजमेंट किया जाता है। मैनेजमेंट का फोर्थ फीचर है मल्टी डायमेंशन। मल्टी डायमेंशन माना जाता है मैनेजमेंट का फोर्थ फीचर है मल्टी डायमेंशन। मल्टी डायमेंशन यानी मैनेजमेंट जो किया जाता है वो वर्क का मैनेजमेंट होता है, वो पीपल का मैनेजमेंट होता है एंड इसमें जो ऑपरेशन जो है वो वर्क प्लस पीपल बोथ को यूज करने के, मतलब ऑपरेशन मतलब जब हम किसी वर्क एंड पीपल यानी काम जो है वो वर्क का जो है मैनेजमेंट किया जाएगा और लोगों का मैनेजमेंट करेंगे तभी हमें हमें जो है उसका रिजल्ट मिलेगा। तो मैनेजमेंट का फोर फीचर्स है मल्टी डायमेंशनल जो है फीचर्स है। इसमें वर्क ये डिसाइड किया जाता है कि वर्क कैसे करना है, कब करना है, किस तरीके से करना है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो वर्क मैनेजमेंट में आती हैं। एंड देन सेकेंड पीपल मैनेजमेंट, इसमें जो टास्क या जो वर्क जो है जो हमने गोल डिसाइड किया है वो किनके द्वारा किया जाएगा। एंड जब हम इन दोनों को वर्क एंड पीपल जब मिलकर सिस्टमैटिक तरीके से जब वो काम जब होगा तो उसके जो जो उसका रिजल्ट जो आएगा वो ऑपरेशन मैनेजमेंट कहलाएगा। एंड देन हम बात करते हैं मैनेजमेंट फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट का फिफ्थ पॉइंट, कंटिन्यूस प्रोसेस। कंटिन्यूस प्रोसेस मैनेजमेंट को एक कंटिन्यूस प्रोसेस माना है। कंटिन्यूस प्रोसेस का मतलब होता है कि कंटिन्यू मैनेजमेंट होना, निरंतर जो है चलते रहना। ऐसा नहीं होता है कि किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी भी संस्था में एक बार यदि मैनेजमेंट कर दिया जाता है तो उसके बाद उसको मैनेज नहीं करना होता है। फॉर एग्जांपल से हम समझेंगे, यदि किसी स्टूडेंट को यदि टेंथ का उसका एक गोल है कि मुझे 90% लेकर आना है या 95% लेकर आना है, तो जब वो लेकर आ जाता है कि उसका गोल है कि मेरा 90% है और वो लेकर आए, लेकिन उसका जो उसने उस गोल को अचीव भी किया तो उसका क्या वहीं पर मैनेजमेंट खत्म हो गया? नहीं, उसका गोल खत्म हो गया नहीं। अब उसका जो गोल है वो नेक्स्ट क्या होगा कि मुझे 11th और 12th में भी या 12th बोर्ड में भी मुझे 90 या 90 अबाउट परसेंट मुझे परसेंटेज लेकर आना। तो मैनेजमेंट ऐसा जो है वो बिल्कुल नहीं होता कि एक बार करने के बाद वहीं स्टॉप हो जाते। मैनेजमेंट जो है वो हर बार जितनी बार टास्क होगा, जितनी बार वर्क होगा, जितनी बार कार्य किए जाएंगे, जितनी बार एक्टिविटी होगी, जितने गोल होंगे उनके अकॉर्डिंगली जो है मैनेजमेंट किया जाता है। देन फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट का नेक्स्ट जो पॉइंट है ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी मैनेजमेंट कोई पर्टिकुलर जो है एक इंडिविजुअल तरीके से नहीं होता। जो इसका जो फीचर्स है ग्रुप एक्टिविटी मीन्स साथ मिलकर कार्य करना। मैंने आपको मीनिंग में भी बताया था कि मैनेजमेंट जो किया जाता है वो या तो वो स्वयं करता है मैनेजर या फिर वो अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाता है, उनको मैनेज करता है। तो यहाँ पर भी वही फीचर है इसका कि ग्रुप एक्टिविटी होती है, व्यक्ति मिलकर जो एम्प्लॉयज होते हैं। आज एक ऑर्गेनाइजेशन जब जब रन होता है, जब वो चलता है तो कोई एक व्यक्ति उसमें मेहनत नहीं करता बल्कि उसमें सभी व्यक्ति मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को अचीव करते हैं। नेक्स्ट डायनेमिक फंक्शंस। मैनेजमेंट का जो फीचर्स नेक्स्ट फीचर्स है डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शन यानी चेंजेस लाना, परिवर्तन हो, है ना। परिवर्तन कैसे कि आज जब मैनेजमेंट किया जाता है तो जो भी इन्वायरमेंट होगा, जैसे इंस्टीट्यूशन का या हम बोल सकते हैं किसी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस का जिस तरीके से वहाँ पर इन्वायरमेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट किया जाता है। इसीलिए मैनेजमेंट का जो ये नेक्स्ट फीचर क्या है डायनेमिक इसको फंक्शन माना है, बदलता रहता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए आप इसको, जैसे लाइक आज हम बात कर रहे हैं बैंक, है ना। सबसे कि बैंक जो है वो पहले क्या होता था, सारा जितना भी होता था पेपर वर्क होता था, लेकिन आज बैंक के जितने भी काम होते हैं वो सारे ऑनलाइन होने लगे हैं, ट्रांजेक्शन्स ऑनलाइन होने लगे, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। तो ये क्या है, ये मैनेजमेंट है, यानी जिस तरीके का एनवायरनमेंट हुआ उसके अकॉर्डिंग ही क्या किया गया, उसके अकॉर्डिंग ही मैनेजमेंट किया गया। इसी तरीके से जो
मैनेजमेंट होता है, जिस तरीके के इंस्टीट्यूशन में जो एनवायरनमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट किया जाता है। इंटेंजिबल नेक्स्ट जो फीचर है इसका, मैनेजमेंट का नेक्स्ट फीचर है इंटेंजिबल। मैनेजमेंट को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन उसको क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। कैसे फील करेंगे इसको, जो फील किया जाता है वो ये कि हम ये देख सकते हैं कि यदि सपोज कि लाइक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर यदि उसकी ग्रोथ हो रही है या प्रॉफिट अर्न हो रहा है, तो वहाँ हम कह सकते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, जो मैनेजमेंट है वो का बहुत ही अच्छा है। लेकिन यदि ऑर्गेनाइजेशन यदि वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा या ग्रोथ नहीं हो पा रही या वो प्रॉफिट अर्न नहीं हो रहा, तो हम बोल सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो वहाँ पर अच्छा नहीं है। यानी जो मैनेजमेंट का जो रिजल्ट, मतलब रिजल्ट के थ्रू ही हम मान सकते हैं कि मैनेजमेंट अच्छा है या बुरा है। थैंक यू गाइस। आप ये जो नोट्स हैं इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको राइट डाउन कीजिए। थैंक यू।